राज्य सरकार से शहद की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मधुमक्खी पहले केक था, मधुमक्खी पहले केक था। क्षेत्र के मधुमक्खी पालकों ने राज्य सरकार से शहद की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। सोमवार को राष्ट्रीय मधुमक्खी पालक संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के मधुमक्खी पालक जिला कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप समर्थन मूल्य निर्धारित करने के साथ शहद को मिड डे मील में शामिल करने सहित अन्य मांगे की। इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि मधुमक्खी पालकों का शहद आज से 20 वर्ष पहले 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकता था, आज भी 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है, जबकि मधुमक्खी पालकों का खर्चा पहले से 10 गुना बढ़ गया है। उसके हिसाब से आज के समय में शहद की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम होनी चाहिए, लेकिन उन्हें प्रति किलोग्राम के 100 रुपए भी नहीं मिल रहे। मधुमक्खी पालकों को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। इसका कारण बाजार में नकली व मिलावटी शहद की बिक्री जोरों पर है। उन्होंने कहा कि वे घर से बाहर व दूसरे की जमीन पर रहकर शहद पैदा करते हैं, लेकिन आज उन पर काफी बड़ा संकट आया हुआ है। उनसे शहद खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं है। शास्त्रों में शहद को अमृत कहा गया है, लेकिन मधुमक्खी पालक दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। शहद खरीदने को कोई तैयार नहीं है, ऐसे में वे कहां जाएं, समस्या आ रहा है। सरकार से मांग है कि शहद की सरकारी मंडी निर्धारित कर शहद खरीदा जाए, मिड डे मील में भी शहद को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके शहद का कोई वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है और न ही कोई खरीदार सामने आ रहा है। उनकी सरकार से मांग है कि शहद का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, इसके अलावा शहद की सरकारी खरीद हो ताकि मधुमक्खी पालक यह कार्य लगातार जारी रख सकें। आज हमारे मधुमक्खी पालक भाइयों पे बहुत बड़ा संकट है। हमारा शहद नहीं बिक रहा है जी। शहद को हमारे शास्त्रों में अमृत माना गया है, लेकिन हमारा आज मिट्टी हो रहा है जी। सब कुछ सब बीकीपरों पे बहुत बड़ी संकट है जी। हम अमृत पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे आज भूखे हैं जी। उनको क्या खिलाएं, हम कहाँ जाएं? अगर हमारी रहते टाइम सरकार ने मांग नहीं मानी तो हम हमारे बक्से या कलेक्ट्रेट में ला के छोड़ देंगे। सारे एक्सपोर्टर एक हो गए हैं जी, और वो सस्ते भाव में हमारा शहद खरीदना चाहते हैं जी। नंबर दो ये मिलावटखोरी करते हैं जी। चाइना से जो सिर्फ आ रही है वो सिर्फ बेच रहे हैं, हमारा शहद कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं। हम अपनी मांगों के लेकर ज्ञापन देने आए हैं, तो उसमें हमारी मांगे ये है कि एक तो हमारे जो शहद है उसके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमारा शहद इस बार तो कोई उठाने को तैयार ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो इसका सरकारी मंडीकरण हो, सरकार इसकी कोई व्यवस्था करे ताकि मधुमक्खी पालक को बचाया जा सके। आज से 20 वर्ष पहले जो हमारा शहद का रेट था 50-60 रुपए किलो, वही रेट आज हमें एक्सपोर्टर या कोई भी ट्रेडर है, मेरे को नहीं उस चीज़ का मालूम, वो लोग दे रहे हैं। इसकी वजह से टोटली मधुमक्खी पालक है जो हमारे भारत का, वो मर रहा है। उससे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। 20 वर्ष पहले जो हमारा लेबर का खर्चा था वो भी आज से 10% कम था, और ट्रांसपोर्ट खर्चा है और जो मक्खी का फीड वगैरह होता है, लेबर का खर्चा है, जो लेबर 2000 में रहती थी आज वो 10000 रुपये महीने में रह रहे हैं। हमारा हर खर्चा 10% बढ़ गया है, लेकिन हमारे शहद का जो रेट है वो आज से 20 वर्ष पहले था, वही रेट हमें आज मिल रहा है। उसके बावजूद भी हमारा शहद उठाने के लिए कोई कंपनी या कोई सरकार तैयार नहीं है। तो हमारी यही मुख्य मांगे हैं कि सरकार हमारी शहद की सरकारी मंडीकरण करे, हर जगह ऊपर शहद के, जो हमारे हनुमानगढ़ ज़िले को एक शहद का हब बनाया जाए, मधुमक्खी पालक ज़िला घोषित किया जाए, इसके लिए हम अपनी मांगे लेके आए हैं। आज उसके जो रेट गिरा दिए हैं, इतने गिरा दिए हैं कि हमारे लागत मूल्य से भी 60 रुपये नीचे हमारा शहद खरीदा जा रहा है, और उसकी भी परचेजिंग बंद कर दी गई है। तो हमारा हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इन किसान बीकीपर किसानों को बचाए, क्योंकि अगर इन किसानों को नहीं बचाया गया तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, इनका परिवार भूखा मरेगा। और ये हो किस लिए रहा है कि जो बाज़ार में मार्केट में जो शहद आप लोग खा रहे हैं, जिसको प्रोसेस्ड यानी बोला जाता है, जो साफ़ सुथरा करके आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, उस शहद में 50% तक की मिलावट होती है, जबकि हमारा ये बीकीपर का शहद है। ये देखिए आप, बिल्कुल ये सरसों का शहद है, ये बिल्कुल जमा हुआ है। और जितने भी शहद बनते हैं उनमें एक अलग महक होती है, अलग होता है, लेकिन इसी को प्रोसेस्ड करके इसको 75 डिग्री तक गर्म करके इसको लिक्विड बना दिया जाता है, फिर ये कभी जमता नहीं। एक्चुअल में ओरिजिनल जितने भी शहद हैं 90% वो शहद जमते हैं। 2-3 क्रॉप हैं जो नहीं जमती हैं, बाकी सभी क्रॉपें ऐसे जमती हैं, कोई थोड़ी जम जाएगी, कोई ज़्यादा जम जाएगी। इसमें पोलन काउंट का होता है। अब फसाई ने हमारे पोलन काउंट इतने गिरा दिए हैं कि नकली शहद को भी आराम से बेचा जा सकता है मार्केट में। एक्चुअल में समस्या वहाँ है, और उसको जब तक दूर नहीं किया जाएगा और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक ही इन किसानों का कुछ नहीं होने वाला। तो
तो हमारी सरकार से एक बार फिर से विनती, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इन गरीब मधुमक्खी पालकों को बचाए।